हाय फ्रेंड्स, आसूस होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग सब्जी, जिसका नाम है भिंडी दो प्याजा। वैसे तो भिंडी सबको बहुत पसंद होती है घर में, लेकिन आप उसको बहुत सिंपल तरीके से बना के अगर बोर हो चुके हैं तो मेरी ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर वालों को ये डिश जरूर पसंद आएगी। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा मैं आपको बताती हूँ। दो हरी इलायची ली है मैंने, दो ये काली मिर्च के दाने, एक छोटी सी लौंग ली है और ये दालचीनी है, अजवाइन थोड़ा सा चाहिए और जीरा भी, मिर्च पाउडर है, हल्दी है, किचन किंग मसाला है, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। टमाटर लिए हैं मैंने, इनके अंदर के जो बीज होते हैं उसको मैंने चाकू की मदद से निकाल के इनको ऐसा काटा है जिसमें इनमें बीज ना रहे और वो थोड़ा सा वाटर होता है उसमें वो भी नहीं रहना चाहिए। सेकेंड मैंने लिया है इसमें दही, 3 बड़े चम्मच है। आप इसको फेंट लीजिए अच्छे से ताकि ये थोड़ा सा ऐसा क्रीमी बन जाए। धनिया हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। कम से कम 400 ग्राम मैंने ये भिंडी ली है जिसको मैंने धो के थोड़ा काट लिया है, और इसके लिए मैंने लिया है अदरक, ऐसे काटना है उसको लच्छे में। मिर्च ली है 2, 7 से 8 मैंने ये लहसुन लिया है, इसको भी मैंने लंबी स्ट्रिप में काटा है। प्याज लेंगे हम 2 मीडियम साइज के और उसको मैंने ऐसे डाइस कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना भिंडी दो प्याजा। सबसे पहले हम इसमें अपनी भिंडी को हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 4 से 5 मिनट। इसके लिए हम लेते हैं ऑयल, सॉरी मैं ऑयल ऐड करना भूल गई थी फ्रेंड्स, तो हम ऑयल ले लेंगे जितनी हमको ज़रूरत पड़ेगी। गैस ऑन करते हैं। कोई भी फ्राई करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, नॉनस्टिक तवा ले सकते हैं, नॉनस्टिक मैंने फ्राई पैन लिया है, चाहे तो कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसी कढ़ाई में आप बना भी सकते हैं। फ्राई पैन गर्म होने देंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, सिर्फ फ्राई के लिए है फ्रेंड्स, इसमें और कुछ नहीं डालना है। थोड़ा अच्छे से हीट होने देंगे, तेल हमारा गर्म हो गया है। चलिए इसमें डालते हैं अपनी भिंडी। इसको चलाते रहेंगे जब तक इसका जो कलर है वो हल्का सा कुक जैसा ना लगे, जैसे आपको लगना चाहिए कि हल्की सी ये कुक हो गई है, क्योंकि हमें इसको फिर बनाने में ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 90% इसी में ही पकाना है। नमक नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, सिंपल। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, लगातार चलाते रहना है। कलर चेंज होने लग गया है इसका, बस थोड़ी देर और पकाएंगे फिर ये तैयार होगा। इसके बाद हम अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। भिंडी फ्राई तैयार है, अब हम तो थोड़ी गैस ऑफ कर देंगे, थोड़ी देर इसको इसमें रहने दीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा सीख जाएगा। गैस ऑन कर लेंगे अपनी। मैंने यहाँ पर दूसरी कढ़ाई यूज करी है, आप चाहे तो इसी में ही फ्राई करके इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ सनफ्लावर ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। सरसों के तेल में भी कुछ लोग अच्छा मानते हैं भिंडी की सब्जी को। 3 बड़े चम्मच तेल गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। साइड ही साइड हम इसमें जीरा और अजवाइन भी डाल देंगे। हाँ
थोड़ी सी फ्लेम लो कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें इसमें हल्दी और मिर्च को थोड़ी देर भूनना है। इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, जितना आप तीखा पसंद करते हैं, हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं, आधी चम्मच, हल्के आंच से चलाएंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड के लिए बस। फ्लेम थोड़ी सी हल्की से तेज करेंगे और इसमें डालेंगे हम अपनी मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम अपना प्याज, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से, तो थोड़ा सा सुनहरा होने देंगे, थोड़ा सा कच्चा ही रखना है, और जो इसकी स्मेल होती है वो चली जाए। बस इतना ही इसको भूनिए। इसमें टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर को हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि थोड़ा सा बाइट टमाटर का आना चाहिए। सिम पे रखेंगे गैस, मसाले ऐड करने हैं हमें, जो थोड़ा सा किचन किंग पाउडर, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि हम जीरा पाउडर भी यूज कर रहे हैं, आधी चम्मच। डेढ़ चम्मच के करीबन मैंने नमक यूज करा है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए, अपने चलाइए। फ्लेम को सिम पे रखेंगे, जिससे जो मसाले का जलना कम हो जाता है और ये अच्छे से भून जाएंगे, और इससे जो फ्लेम है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, जिससे हम अपनी इसमें दही मिलाएंगे तो उससे वो फटेगा नहीं और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। भिंडी दो प्याजा में दही का पानी वाला पार्ट आप बिल्कुल यूज़ ना करें। कोशिश कीजिए कि दही हमेशा इंग्रेडिएंट के ऊपर ही डाला जाए, जिससे क्या होता है वो अच्छे से होगा, तले पे नहीं लगेगा तो वो ज़्यादा जल्दी जलेगा नहीं। यस, चलाते रहेंगे, थोड़ी सी आंच बढ़ा लेंगे इसकी मीडियम हाई पे। दही एक अलग ही फ्लेवर देगा भिंडी दो प्याजा में। चलिए फ्रेंड्स, अब ऐड करते हैं इसमें अपनी ये फ्राई करी हुई भिंडी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट और सबसे पहले आपको मिले मेरी वीडियोस। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार ट्राई करें जरूर घर पे ये रेसिपी।
आई होप कि सबको बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल के आंच सिम पे करके इसको हम ढक देते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट और फिर ये तैयार होगी। दस मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं अपनी भिंडी। तैयार है हमारी भिंडी दो प्याजा। एक बार बनाइए, घर में टेस्ट कराइए, देखिए सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। गार्निश करेंगे। लीजिए तैयार है हमारी भिंडी दो प्याजा। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आसूस होम किचन। थैंक यू।